यूनिवर्सिटी का मेन बिल्डिंग है, मेन कैंपस है। यहाँ पे आईटी सेक्शन और मेडिसिन का स्कूल है, और ये बिल्डिंग सब पूरा लाइब्रेरी से भरा है, सब लाइब्रेरी है चार फ्लोर पे। कन्वोकेशन होता है तो काफी बड़ा इवेंट होता है, जैसे एमएटी वगैरह। हाँ हाँ, वो स्पोर्ट्स बिल्डिंग में होता है। हाँ, यहाँ पे यूनिवर्सिटी का क्लिनिक भी है, यहाँ पे फ्री सर्विस मिलती है स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पे सब लैब, फार्मेसी लैब ऊपर, केमिस्ट्री लैब, उसके ऊपर बॉटनी लैब है। अभी हम लोग एंजेलस यूनिवर्सिटी फाउंडेशन के प्रोफेशनल बिल्डिंग्स में जा रहे हैं। अमित हमको अभी अंदर लेके जाएंगे, क्योंकि इनके पास स्टूडेंट्स आईडी कार्ड है, ये कार्ड वहाँ पे पंच करना होता है, उसके बाद में ही हमको अंदर एंट्री मिलती है। अभी ये हम लोग आए हैं प्रोफेशनल बिल्डिंग में, तो यहाँ पे हम सब के ए बी साइकोलॉजी स्टूडेंट और बी एस साइकोलॉजी फिलिपिनो इंडियन के बैचेस होते हैं, पूरा ए बी साइकोलॉजी कोर्स। ये 5 फ्लोर्स की बिल्डिंग है, यहाँ पे सब कंट्रीज के लोग रहते हैं, कोरियन, इंडियन, जापनीज। नहीं, बैचेस अलग अलग ही रहते हैं, मतलब इंडियन की सब बैचेस रहता है, बाद में कोरियन का एक सेपरेट बैच रहता है। ऊपर सब क्लासेस है, जनरली फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर फिलिपिनोज रहते हैं, बाद में थर्ड फोर्थ इंडियन रहते हैं। अभी हम लोग थर्ड फ्लोर पे आए हैं, जहाँ पे ए बी साइकोलॉजी और बी एस साइकोलॉजी की क्लासेस चलती है। सो जनरली जैसे आपने हमको बताया कि क्लासेस का सबका टाइमिंग अलग अलग होता है, सबको ऐसे 30-35 के ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। अभी हम लोग ये क्लासेस में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि सारे क्लासेस में कुछ ना कुछ लेक्चर्स चल रहे हैं। तो अभी हम लोग फोर्थ फ्लोर पे जा रहे हैं, शायद कुछ टीचर्स नहीं आए होंगे तो हम लोग को क्लास देखने मिले। इस टाइप की क्लासेस होती है, जो आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या एनिमेशन होते हैं वो आपको क्या फिर घर ले जाने के लिए मिलता है? दे विल प्रोवाइड यूनाइटेड स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट से मैं रुक्मिणी, और आज हमारे साथ है अमित। अमित वरुड़ से है। आज हम अमित के साथ एंजेलस यूनिवर्सिटी कैंपस विजिट के लिए आए हैं, तो अमित हमको बताएंगे कि हम लोग अभी कहाँ पर है। सो ये एंजेलस यूनिवर्सिटी फाउंडेशन का स्पोर्ट्स कल्चर का बिल्डिंग है, यहाँ पे सब फंक्शंस होते हैं, सब स्पोर्ट्स। ऊपर एक स्टेडियम है बास्केटबॉल का। हाँ, हमारे हर सेमेस्टर में सब्जेक्ट रहता है पी रिदमिक एक्टिविटी, तो ये सब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे सब फंक्शंस होते हैं, अवार्ड फंक्शंस, ग्रेजुएशन के फंक्शंस। कल ही सीएस का फंक्शन हुआ, उसका लास्ट का पार्ट होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे रनिंग के लिए सब, या जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हो कुछ इवेंट्स कल से यहाँ पे शुरू है। हमको अमित ने जैसे बताया उसी की सारी ये तैयारियाँ शुरू है। हम लोग अभी एंजेलस यूनिवर्सिटी के मेस में हैं, जो हितेन भाई चलाते हैं, और ये प्योर वेज खाना बनाते हैं। यहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स भी बैठे हुए हैं। हम हितेन भाई से पूछेंगे कि ये जो खाना बनता है वो किस टाइप से बनता है। देखो, ये पहले तो सब अपने गुजराती जैसे खाना होता है, हर रोज मॉर्निंग में सब में ब्रेकफास्ट में अपने को अलग अलग आइटम होती है, जैसे ब्रेड पकोड़ा है, खमन ढोकला है, वैसे हर रोज ब्रेकफास्ट बटेका वोवा, वैसे चेंजेस होते हैं। लेकिन लंच आइटम में डेली के लिए रोटी, सब्जी और चपाती, दाल राइस और वो बटर मिल्क के साथ सर्व किया जाता है। और डिनर के टाइम पे अलग अलग आइटम होती है, जैसे कि पाव भाजी है, कुछ नहीं है, सेव उसल है, मंचूरियम है, जैसे डेली के लिए डिनर के टाइम पे चेंजेस किया जाता है। ओके, आज का मेनू आप देख सकते हैं, रोटी है, चावल, सब्जी और दाल, मतलब एक कंप्लीट इंडियन डिश मिलता है। और स्टूडेंट से भी हम रिव्यू लेंगे, हाउ इज द फूड? इट्स नाइस। मैस का टाइमिंग 12 बजे से चालू होकर कितने बजे तक रहता है? मैस 1:30 बजे। मैस कभी बंद रहता है या इसका कुछ ऐसा टाइमिंग है कि जैसे संडेज ऑफ वगैरह रहते हैं? नहीं नहीं, संडे को वो हमको पूछते हैं कि तुम्हारी टाइमिंग कैसी है। सिंस हम सब बच्चे लेट उठते हैं, तो हम लोग के लिए ब्रेकफास्ट हमने उनको कहा कि आप स्किप कर दो, तो वो लंच में एक्स्ट्रा बना देते हैं।
हम लोग एंजेलिस यूनिवर्सिटीज के बॉयज हॉस्टल में हैं। हमारे जो स्टूडेंट हैं अमित कुमार है, उनसे हम मिलने चलेंगे, उनका रूम देखेंगे। आप देख सकते हैं कितना पॉश हॉस्टल है, बहुत ही अच्छा है। ये न्यू हॉस्टल बनाया गया है स्पेसिफिकली फॉर बॉयज। बाजू में एक बिल्डिंग है जो गर्ल्स के लिए है। ये अमित का रूम है। अमित, यहाँ पर कितने टू शेयरिंग रूम? यहाँ पे हर फ्लोर पे 4 टू शेयरिंग रूम है और लगभग 10 या 8 3 शेयरिंग रूम है। अच्छा, और इससे अटैच टॉयलेट बाथरूम भी है हर रूम में। ओके, ये देखिए यहाँ पर एक अलमारी दी हुई है, 2 अलमारी दी हुई है पर स्टूडेंट, एक एक अलमारी, 2 बेड, 2 स्टडी टेबल,